परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। जो पर पीड़ा को अपना कर, जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, कुछ ही हैं जो द्रौपदी के वदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। कि वास्तव में दुनिया को जीतना बहुत आसान है, राज्यों को, समाजों को, देश को, राष्ट्र को, किसी व्यक्ति को जीतना बहुत आसान है, लेकिन स्वयं के विकारों को जीतना बहुत मुश्किल है। जो विकारों को जीत लेते हैं वो परमात्मा बन जाते हैं। हर आदमी जो बहादुर लगता है, जो लगता है बहुत पहलवान है, बहुत बड़ा शक्तिमान है, वो भी मौत के समय तड़प तड़प कर मरता है। जो लोग बहुत वीर बहादुर कहते हैं वो भी मरते टाइम अपनी मौत के लिए मन्नतें मांगते हैं, छुपते हैं, लड़ते हैं, किसी को मारते हैं कि किसी को मार कर हम बच जाएंगे, लेकिन मौत से कोई नहीं बच पाया। और ज़िंदगी में सबसे बड़ी जीत यही है, किसी के दिल को जीत लो। हमारे आचार्यों ने कहा है कि प्रेम सबसे बड़ी साधना है, इसलिए कहा सत्य सुमैत्री गुण सो प्रमोदम क्लिष्टे सुजीवेशु कृपा परतम। क्या कहा है? सत्य से मैत्री, ये प्रेम नहीं कहा, राग नहीं कहा, स्वार्थ नहीं कहा, वासनाएं नहीं कहा, लेकिन प्रेम कहा है। क्योंकि प्रेम बंधन नहीं करता है। प्रेम जिससे होता है उसको आप मुक्त करना चाहते हैं, प्रेम जिसका होता है, जिससे होता है उसके ऐब आपको अच्छे नजर आते हैं, उसकी गलतियाँ भी आपको खूबियाँ नजर आती हैं, उस पर आप जान निछावर करना चाहते हैं, उसके लिए सब सुविधाएं जुटाना चाहते हैं, उसके लिए जिससे प्रेम होता है उसके लिए आप लंबी उम्र की कामनाएं करते हैं, अपने जीवन को दांव पर लगाकर भी उसे जीवन देना चाहते हैं। आज हमारा किससे प्रेम है, किससे मांग रहा है पगले ये ऐसा संसार नहीं है, किससे मांग रहा है पगले ये ऐसा संसार नहीं है, और कोई किसी का दर्द मिटा दे, यहाँ किसी को प्यार नहीं है, यहाँ किसी को प्यार नहीं है, यहाँ सब लोग एक दूसरे पर सत्ता काबिज करने पर लगे हैं। पति पत्नी जिसे तुम कहते हो प्रेम है, प्रेमी प्रेमिका, इन्हें भी प्रेम नहीं है, ये भी एक दूसरे की तरफ पुलिस वाले बन के खड़े हुए हैं, पहरेदार की तरह खड़े हुए हैं कि कोई दूसरा तुम्हारी ना आँखों में प्रवेश कर पाए, ना तुम्हारे कानों में प्रवेश कर पाए, ना कोई तुम्हारे दिल में प्रवेश कर पाए। क्योंकि हमने सब पढ़ते हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें, ये राग आग दगे सदा ताते समामृत से चिर भजे विषय कसाए अब तो त्याग निज पद भी। कहते हम चिर भजे विषय कसाए अब तो त्याग निज पद भी, कि निज पद में ही जाना है, लेकिन काम क्या करना है, सारे विषय वासनाओं के काम। हम कहते तो बहुत अच्छी बातें हैं कि भगवान विषय भोग बुरे हैं,
लेकिन करते क्या हैं, उसी की साधना कर रहे हैं, उसी के लिए जीवन अर्पण कर रहे हैं। हमने हर गलत नाम के आगे बहुत अच्छे अच्छे नाम लगा रखे हैं। आप देखो शादी क्या है, ठीक है हर इंसान संत नहीं बन सकता है, इसलिए मजबूरी उसके, लेकिन उसको भी विवाह को इतना बड़ा बढ़ा चढ़ा कर रूप देते हैं, इतना फिजूली खर्च करते हैं, जबकि दोस्त परिवारों में प्रेम के संबंध जुड़ने चाहिए। आपने प्रथमानी योग में पढ़ा होगा, किसी से किसी की थोड़ी भी झगड़ा हो, कोई बलवान हो, उसे बेटी दे दो और वो संबंधी हो जाता था, आपकी समस्या का हल हो जाता था। आज बेटी दे दो तो समस्या प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि हम बाहर की जीत को जीत मानते हैं, बाहर के संबंधों को संबंध मानते हैं, बाहर की दौलत को दौलत मानते हैं। बाहर की दौलत नहीं, अंदर की दौलत होना चाहिए। एक सम्राट के ऊपर दूसरे सम्राट ने चढ़ाई कर दी, जिसने चढ़ाई की थी वो बहुत बलवान था, उसे हराना शक ही नहीं था। सेनापतियों ने कहा कि हम लड़ने नहीं जाते, हम लड़ने जाएंगे तो मरेंगे, और मरने से क्या फ़ायदा, हार के मरना और जिंदा मरना, ऐसी छोटी सी टुकड़ी क्या उसका सामना करेंगे, उसके पास तो बहुत लंबी चौड़ी फौज है, उसके पास बहुत बड़े बड़े हथियार हैं, उस पर बम और तोपे हैं, हम लोग कहाँ सामना कर पाएंगे। वो हार के बैठ गए। एक बूढ़ा फकीर आया और कहने लगा, सेनापति लोग हार गए तो मैं चला जाता हूँ। लोगों ने हंसा कि ये जाएगा, इसे उठाने के लिए तो चार लोग चाहिए पड़ते हैं, इसे घोड़े पर भी चढ़ाना हो तो चार लोग लगेंगे, तब तो ये घोड़े पर चढ़ पाएगा, क्या जीत प्राप्त कर पाएगा। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ चलो, हम जीतेंगे। लोग कहने लगे हम मरने को नहीं जाते, हमें तो मरना ही है, तो हम ऐसे ही रहे आएंगे, उनकी दास्ता स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हम मरने को नहीं जाते। उसने कहा बच जाओगे तब तो ठीक है। वो कहने लगा बचेंगी कैसे, उसकी इतनी बड़ी सेना, हमारी तो मुट्ठी भर सेना है। वो फकीर कहने लगा कि मेरे पास एक सिक्का है, अपन पास के मंदिर में सिक्के को उछालते हैं, देखते हैं सिक्का कैसा गिरता है, परमात्मा चाहता है कि नहीं कि हमारी जीत हो या नहीं हो। और वो परमात्मा के मंदिर में गया और सिक्का उछालने लगा, सिक्का उछाला तो सिक्का सीधा निकला, निकला तो वो तो नाचने लगा, कहने लगा देखो अब मेरी बात नहीं है, परमात्मा के दरबार में सिक्का सीधा निकला है, इसका मतलब अब अपन लोग जीतेंगे जीतेंगे। और वो वहाँ चार दिन रुका, उसने खूब प्रयास किए, बच्चों को खूब कहते हैं वीरता की शिक्षा दी और अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया, और आगे चल के वो युद्ध को गया। और युद्ध इतना भारी था, इतनी सेना थी, लेकिन उसकी चंद सेना युद्ध में जीत गई। जब जीत गई तो बहुत हर्षोल्लास था, सबसे कहने लगा कि चलो अपन मंदिर में चलते हैं, उनने जिताया है। और जब मंदिर में गया तो सब लोगों ने कहा तुम मनौती मांगो, तुमने इतनी बड़ी बात की थी, तुम जीत गए। उसने कहा हम नहीं जीते, तुम लोग परमात्मा के कारण जीत गए, परमात्मा ने सीधा सिक्का डाला था। और सब लोग कहने लगे तुम यहाँ ला के प्रसाद चढ़ाओ। बोलो मैं नहीं चढ़ाऊँगा। उसने कहा क्या, कहने लगे पुरुषार्थ तो हमने किया था, परमात्मा ने क्या किया। सब लोग कहने लगे तुम कितने गद्दार हो, तुम कैसे आदमी हो कि तुम प्रसाद भी नहीं चढ़ा रहे हो। उसने कहा प्रसाद चढ़ाने की क्या ज़रूरत है, मैं सिर्फ तुम्हारे सोए दिलों को जगाना चाहता था, तुम्हारे अंदर उत्साह भरना चाहता था, तुम बिल्कुल मायूस हो गए थे, अपनी ज़िंदगी से उदास हो गए थे, मुझे तुम्हारे अंदर एक उत्साह की किरण भरना थी, इसलिए मैंने तुमसे वैसे ही कहा था। कहने कहा क्या था, लोग कहने लगे तुमने कहा क्या था, अरे सिक्का था वो सीधा गिरा था, इसका मतलब अपन जीत जाएंगे। उसने कहा गौर से देखो मेरे सिक्के दोनों तरफ सीधे ही हैं, मेरे सिक्के सीधे ही हैं, इसलिए मुझे हारना ही नहीं था। लोगों ने कहा तुमने हमसे काहे को बेईमानी की, सिक्का सीधा उल्टा होता तो एक तरफ तो उल्टा गिरता। उसने कहा हमारे विचार उल्टे हैं, हम क्यों सोचते हमारा पतन होगा, हम उत्थान की बात सोचे और मर भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, ये सोचकर मैंने सिक्का दोनों तरफ से सीधा ही बनवाया था। आप देखना वो तो सिक्का सीधा था, सच्चाई तो ये है कि परमात्मा हर अच्छे काम में हमारा सहयोगी बनता है,
लेकिन बसरते शर्त इतनी है, हम विचार भी तो बनाए। हम जितना समय पाप अनाचार अत्याचार निंदा चुगली ईर्ष्याओं में गमाते हैं, उससे 10% समय भी अपने लिए नहीं गमाते हैं। और परमात्मा से चाहते हैं कि परमात्मा सीधे हमें मोक्ष भेज देना। अरे परमात्मा से ये मत चाहो कि हमें मोक्ष भेज देना, ये चाहो कि परमात्मा जो भी हमारा पुरुषार्थ हो मोक्ष पुरुषार्थी हो। हम खाएं तो वेद विज्ञान द्वारा भोजन करें, हम भोजन करें तो इस भाव से भोजन करें कि भोजन भजन हो जाए। हम जिस चीज पर नजर डालें वो भगवान की तस्वीर हो जाए, भगवान मेरी नजरों में वो तासीर हो जाए, भगवान मेरी नजरों में वो तासीर हो जाए। नज़र जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए, नज़र जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। कि वास्तव में भगवान हमारी तस्वीर, हमारा दिल एक मंदिर हो जाए और हमारी चेतना एक परमात्मा हो जाए। हम दीवालों को नहीं देखें, हम अंदर के परमात्मा को देखें। हर इंसान फूलों से प्यार करता है लेकिन काली कलूटी टेढ़ी मेढ़ी जड़ों को कोई देखता तक नहीं, उस पर नज़र तक नहीं जाती। ध्यान रखना, यदि जड़ों में दिया गया पानी तो फूल और पत्तों तक पहुंच जाएगा, लेकिन यदि तुमने फूल और पत्तों को सींचा तो जड़ें सूख जाएंगे। आज हमारे जीवन की जड़ें सूख गई हैं। हमें दया परोपकार करना प्रेम अच्छे अच्छे गुणों को हमने घात कर दिया है। रोज कहते हैं कि बोलो सबसे मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। अरे कहने से होता है क्या? तुम्हारी जिठानी का लड़का तुम्हारे सामने से निकल जाए और तुम्हारी बनती नहीं तो आग लग जाती है। मंदिर में कोई तुम्हारा विरोधी दिख जाए तो तुम्हारी आँख बंद ऐसी हो जाती जैसे कोई भूत पिशाच दिख गया। सोच कर देखना, तुम्हारी ज्वालामुखी फूट जाती है जरा सी कोई बात करे तो, और तुमने अपने दिल को नरक बना लिया है। प्रत्येक क्षण हाय तौबा लगी हुई है तुम्हारे दिलों में और कहते हो परमात्मा आएगा। अरे परमात्मा ऐसे गंदे दिल में क्या आएगा? हम उन जड़ों को भी प्यार करें यदि फूल चाहते हैं तो ठीक है, पुद्गल जड़ है, लेकिन पुद्गल का भी रुझान किधर हो रहा है, क्या काम कर रही है, किस तरफ अपनी ऊर्जा का निष्कासन हो रहा है, इस तरह कभी विचार किया? हम बचपन में आए थे तो कितने प्यारे थे। सोचना कोई बचपन में बहुत बड़ी बड़ी MBA की डिग्री ले ले और बूढ़ा होते होते वो पागल हो जाए, मूर्ख हो जाए, पहचान नहीं बंद कर दे तो लोग उसे क्या कहेंगे? उसकी डिग्रियों को कुशल युवक कहेंगे, कुशल व्यक्तित्व कहेंगे या बुद्धू कहेंगे? हम बुद्धू बन के जाते हैं और बुद्धिमान होकर पैदा होते हैं। कोई बचपन में तो बहुत धनाढ्य घर में पैदा हुआ और बुढ़ापे में भीख मांगने लगे, आप उसे सफल व्यक्ति कहेंगे क्या? हमारी यही हालत है। बचपन में हम सम्राटों की तरह पैदा हुए थे, जो देखता था उसी के चेहरे की मुस्कान का कारण बन जाते थे, जो लेता था उसी पर चले जाते थे, जो चुटकियां बजाकर प्यार से देखता था हम उसके हो जाते थे। और बुढ़ापे तक आते आते ऐसे रुग्ण, ऐसे बीमार, ऐसे उदास हो जाते हैं, किसी को देखकर हंसी नहीं आती है। पूरे दिन ऐसे जैसे बैगन भरता हुआ ऐसा झुलसा हुआ चेहरा रहता तुम्हारा। कहते जीवन में कभी उदास मत होना, जीवन में कभी उदास मत होना, जीवन से कभी निराश मत होना। अरे हाथ की लकीरों से क्या होता है? भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता, भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता। इतनी निराशा जीवन में क्यों घेरे हो? ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। अरे तुम लेने को क्यों सोचते हो? हमारे भारतीय संस्कृति में तो लेने की भावना नहीं, देकर धन्य हो जाते हैं। दिन्नो हवे धन्यम, कुंद कुंद स्वामी कहते तू देने मात्र से धन्य हो जाता है, तू देता है तो तेरा मोक्ष पक्का हो जाता है। कहते हैं जो मुनि को देकर भोजन करता है उसका निर्वाण पक्का है, कुंद कुंद स्वामी रहन सार में कहते हैं। और छह डाला में भी कहा है मुनि को भोजन दे फेर निज करई आहारा। लेकिन भरत चक्रवर्ती एक दिन भोजन नहीं दे पाए, आहार नहीं दे पाए तो गले से नीचे ग्रास नहीं उतरता था।
उसे लगता था आज पातक का दिन है, कोई मौत हो गई, ऐसा महात्म। इसलिए अतिथियों का अतिथि संभाग व्रत नहीं पल पाया, मैंने साधुओं का पड़गान नहीं कर पाया, आज क्या पाप कर्म का उदय था कि उनका द्वारा पेक्षण नहीं हुआ। और आजकल सच पूछे, पहले कहते थे कोई आए तो खाऊं, आज कहते हैं आज जाए तो खाऊं। पहले एक दिन द्वारा अपेक्षण नहीं हो तो गले से ग्रास नीचे नहीं उतरता था, आजकल गला ही स्पेशल हो गया, कभी अटकता ही नहीं, एक हट्टा ही अटकता है। इसलिए कितनी सुंदर बात कही, हमारे यहाँ सम्राटों की पूजा नहीं है, साधकों की पूजा है। धन्य धन्य है जे जीव नरिभव पाए यह कारज किया, कहते धन धन्य है जे जीव नरिभव पाए यह कारज किया। और कहते हैं कि उनकी कथा ही संसार परिभ्रमण को नाश करती है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध एवं करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। पाटोदी परिवार, कतरास। श्री सुशील कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगराव, पंजाब। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान। प्रतिष्ठान सुगन चंद फूल चंद पांड्या, डेह, जिला नागौर, राजस्थान। सेठी फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर।